नमस्कार, जेपीडीज किचन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम मटर पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा ऑयल हमने लिया है, इसमें दो बड़े प्याज हमने लंबाई में कट करके इसमें ऐड कर दिए है। तो प्याज को हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हम बना लेंगे। तो देखिए, अब हमारे प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। इसमें हमने दो हरी मिर्च ऐड कर दी है, तीन चार काजू हमने इसमें ऐड किए हैं और दो टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं। अब हमने इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है। तो इन सबको अब हम 3 से 4 मिनट तक मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे कम गैस पर हम ढक देंगे। तो अब 4 मिनट हो गए हैं, देखिए कितने अच्छी तरह से टमाटो, प्याज थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन सब की पेस्ट बना लेंगे और इसे साइड में रख देंगे और इसी कढ़ाई में अब हम पनीर को भी थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे ही पनीर सब्जी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पनीर जो है वो थोड़े से शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो 2 मिनट के लिए हमने इस तरह से गोल्डन ये पनीर बना लिए है। देखिए कितने अच्छे से पनीर गोल्डन बन गए हैं। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा हमने इसमें ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड की है, मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च यूज की है। जो पेस्ट हमने बना के रखी थी उसे ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है और इसे फिर से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए हमने ढक दिया है। देखिए कितना अच्छे से हमारे सारे मसाले पक गए हैं और इसमें तेल भी अब अलग हो गया है। इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी मटर लिए है। तो अब हम मटर ऐड करके आधा चम्मच नमक हमने इसमें ऐड किया है
अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया है। चार मिनट तक हमने इसे ढका था। देखिए कितने अच्छे से मटर भी अब सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें अब हम पनीर ऐड करेंगे। आप इस तरह से भी ये ड्राई सब्जी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी बनाने वाली हूँ। अब हमने लगभग इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करके इसे हमने ढक दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया था। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और धनिया हमने इसमें ऐड की है। थोड़ा सा बटर हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ऊपर से हम लगभग आधा चम्मच बटर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारी सब्जी बन गई है। इस तरह से आप ये सब्जी बनाइए घर पर ही। आपको मटर पनीर मसाला इतना अच्छे से बनेगा, आपको यकीन नहीं आएगा। ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है, तो आप ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।